उसके लिए देख, उसके लिए इंडेक्स बहुत कुछ मैटर करेगा, इंडेक्स मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग डालो, नेक्स्ट सेटिंग डालो। अभी तक किसी को डाउट है लेक्चर में तो पूछो। सैली कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया कोई पार्टिकुलर टॉपिक या कुछ? नो सर। आयुषी ऑनेस्टली बोल सर। का? हाँ सर। अच्छा ठीक है। प्रियांशी? नहीं है सर, पूरा क्लियर है। हाँ तो क्वेश्चन दिया तो बना के आ रहा। चलो देखो, एक दो पॉइंट लिख रहे हैं, तुम लोग लिखते चलो। इफ टू सर्ट्स इफ टू सर्ट्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कैसे पता चलेगा बताओ? दो सर्ट सेम ऑर्डर का कैसे पता चलेगा बताओ? अरे बोलो, कोई कोई नहीं बोल रहा है। सोच के बताओ कि हम दो सर्ट को सेम ऑर्डर का है, कैसे कैसे पहचानेंगे? सर शायद इंडेक्स सेम होना चाहिए। इंडेक्स सेम होना चाहिए। इफ टू सर्ट्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर देन one whose radicand is larger या radicand is greater। Is the larger of two sets। कुछ पता चला? Is the larger of two sets। देखो इसका कहने का मतलब ये था, जैसे तुम्हारा सेम ऑर्डर का दो तीन सर्ट दे रखा है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 10, तो इसमें सबसे ग्रेटर कौन होगा? इस पॉइंट से समझ में आ रहा है कुछ? 10 सर, थर्ड रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10, थर्ड रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर का है तो तुमको क्या चीज पे डिपेंड करेगा? वो रेडिकेंड पे। जिसका रेडिकेंड सबसे बड़ा होगा वो तुम्हारा सबसे ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर रेडिकेंड सेम है और इंडेक्स अलग है तब बता रहे हैं ना। अभी हम क्या बोले, जिसमें अभी सेम ऑर्डर का सर्च की बात कर रहे हैं, सेम ऑर्डर का इंडेक्स। ठीक है, सर्च क्या है? सेम ऑर्डर का है। अब जैसे ही ऑर्डर डिफर करेगा, अब ऑर्डर जैसे ही डिफर करेगा, इफ टू सर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, तब इसमें तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम बता देंगे क्या करना है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, 6 root of 7, 4th root of 3 एंड 12। अब तुमको क्या करना है, इसमें बताना है सबसे ग्रेटर क्या हो, कौन सा होगा सबसे ग्रेटर, कौन सा होगा। तो सीखते चलो। सबसे पहला काम किसी को आता है? किसी को? हाँ ना मैं जवाब दे दो? नहीं सर। नो सर। अच्छा ठीक है, समझे। तो पहले तो रेडिकल साइन हटाओ फटाफट। तो 7 का पावर 1/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1/4 हो जाएगा, और ये 48 का पावर 1/12 हो जाएगा। सबसे पहला काम। सेकेंड, अब तुमको क्या करना है, एनी हाउ पावर सबका, जो सबसे पहले पहले ध्यान दो कौन सा इंडेक्स सबसे लार्जर है, 12? हाँ सर। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, बाकी जो दो रिमेनिंग है उसको भी तुमको 12 में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई इसको कर दे और इसको 1/3 से,
बताओ। यस हमको इंडेक्स सेम करना है। इंडेक्स को क्या करना है, सेम करना है। किसके कैसे भी सेम कर देना, कैसे भी सेम क्या मतलब, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे ग्रेटर इंडेक्स किसका था, इस वाले टर्म का था, था। तो तुमको बाकी जो दो रिमेनिंग थर्ड थे उसके भी इंडेक्स को क्या करना है, 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए अपना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना होगा ना आपको। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। बताओ, समझ रहे हो? Yes, तो ये क्या बन जाएगा, 7 का पावर 2/12, ये हो जाएगा 3 का पावर 3/12, एंड ये हो जाएगा 48 का पावर 1/12। अब ये इसको काटने वाटने मत लग जाना कि 2 से 12 को 6 में काटने में, इससे तो तुम वापस फिर पहले ही पहुंच जाओगे। इसके बाद फिर सबको फिर से रेडिकल के फॉर्म में लिखो सिंबल के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 12 रूट ऑफ 49, बताओ होगा? यस सर। ये कितना हो जाएगा, 12 रूट ऑफ 47 और ये 12 रूट ऑफ 48। देखो सबका ऑर्डर सेम हो गया, तीनों का यस सर हो गया। सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 12th root of 49, 12th root of 49, क्योंकि अगर order पहले इस सब में लिख लेना, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 12th root of 48 and then root of 27, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 6th root of 7, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 12th root of 48 रूट ऑफ 3। आया सबको समझ में, किसी को डाउट है कुछ? तो यस सर आ गया समझ में। आ गया आयुष, आयुषी तुम ही दोनों बहुत कम बोलता है। यस सर क्यों जी, कम क्यों बोलते हो इतना, तुम एनर्जी सेव? नो सर। चलो दो तीन क्वेश्चन है, उसको फटाफट बना लो। अगर आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो फिर से पूछ लेना, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बुकलेट का ही दे दे रहे, सेकेंड नंबर चलो। आराम से बनाओ, आराम से। बन जाएगा तो बताना।
बना क्या आंसर बी होगा? क्या आंसर बी? देख सकते हैं। हाँ ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। चलो बढ़िया, और किसी से बना? यस सर, बन गया। हाँ सर। आयुष तुम्हारा ही बाकी है जी, नहीं आया समझ में तो बताओ। चलो बोल ही नहीं रहा है आयुष। हेलो चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते। ठीक है तो अब आएगा दो सर, तो कंपेयर करने तो कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, फिर नेक्स्ट कुछ टर्म्स लिखते चलो इसी के बारे में। उसके बाद जब इरेशनल नंबर रेशनलाइजेशन शुरू करेंगे, देन आफ्टर कुछ सर्स एंड रेडिकल का और भी कुछ रह जाएगा, तो कुछ आज बता दे रहे हैं, उसके बाद रेशनलाइजेशन शुरू करके फिर से वापिस से हम लोग सर्स एंड रेडिकल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ टाइप्स ऑफ सर्ड से लिखते चलो। टाइप्स ऑफ सर्ड, पहला क्वाड्रेटिक सर्ड। क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होगा? जिसका इंडेक्स कितना होना चाहिए? कितना? फोर टू नहीं फोर टू 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 थर्ड ऑफ ऑर्डर टू। अरे क्वाड्रेटिक मतलब टू होता है, फोर कहाँ से पहुंच गई? ऑर्डर टू। उसी तरीके से क्यूबिक आएगा, क्यूबिक के लिए कितना होना चाहिए? थ्री। बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा बताओ कोई? बाई क्वाड्रेटिक तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा चार। चार थर्ड ऑफ ऑर्डर फोर। क्यूबिक के लिए थर्ड ऑफ ऑर्डर कितना? थ्री। चलो नेक्स्ट लिखो प्योर सर्ड। प्योर सर्ड क्या होता है? देखो इसके बारे में देखो, जैसे तुमको हम अगर क्यूब रूट ऑफ सेवन लिख के दे दे या क्यूब रूट ऑफ टेन लिख के दे दे, ठीक है, तो इसका अच्छा कोई बताएगा रेशनल फैक्टर इसका कितना है? इसका रेशनल फैक्टर बताओ। अच्छा ये बताओ, सिक्स का फैक्टर टू इंटू थ्री बोलते हो? सॉरी टू एंड थ्री बोलोगे ना? हाँ। तो उसी तरीके हाँ। इस क्वेश्चन के लिए रेशनल फैक्टर कुछ है? तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई है, तो वन मल्टीप्लाई है बताओ दोनों? यस सर। तो
इस क्वेश्चन के लिए अगर हम पूछे रेशनल फैक्टर कितना है तो क्या बोलोगे? वन, ठीक है। लेकिन यही अगर हम तुमको बोले टू रूट थ्री, इसके लिए रेशनल फैक्टर कितना है? रेशनल वाला फैक्टर बताओ। टू है, समझ रहे हो सब कोई? जैसे सेवन इंटू क्यूब रूट ऑफ फाइव, इसके लिए रेशनल फैक्टर कितना है? सेवन है। तो वैसा स्टर्ड, ध्यान से सुनना, वैसा स्टर्ड जिसका रेशनल फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन हो, क्या हो? रेशनल फैक्टर वन अगर है तो वो प्योर सर्ड कहलाएगा, और वन के अलावा कुछ भी रेशनल फैक्टर आ गया तो वो मिक्स सर्ड कहलाएगा। आया कुछ समझ में? यस सर। आया सबको? यस सर। ठीक है, तो लिख लो प्योर सर्ड क्या होगा? अ सर्ड विच इज ओनली One as a rational factor. देखो, देख करके तुम कोई भी बता दोगे, जैसे क्यूब रूट ऑफ सेवन प्योर सर, एट रूट ऑफ नाइन प्योर सर, लेकिन अब तुमको बोलेगा इसको डिफाइन करो तो क्या बोलेगा? जिसमें सिर्फ सर्ड का सिंबल है तो वो प्योर सर्ड कहलाएगा। तो डिफिनेशन को प्रॉपरली बोलने के लिए हम बस ऐसा लिख दिए हैं कि वो ऐसा सर्ड जिसका रेशनल फैक्टर वन हो, वन एज अ रेशनल फैक्टर है तो उसको प्योर सर्ड बोलेंगे। वैसे देख करके तुम लोग आसानी से बोल दोगे जिसमें है कि नहीं, लेकिन एज अ डिफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि प्योर सर्ड सर्ड फीचर ओनली वन एज अ रेशनल फैक्टर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो कुछ भी आज पट पट के आ रहा हूं। सबके साथ ये इशू है क्या? यस सर। अच्छा रुक जाओ, रुको एक मिनट, बस एक मिनट। हेलो, आ रहा है आवाज? ठीक है, तो प्योर सर समझ गया सबको क्या होता है? प्योर सर समझ गया? यस सर। मिक्स सर नेक्स्ट, अभी दोनों को कन्वर्जन सिखाएंगे अभी से, ठीक है? नेक्स्ट डालो मिक्स सर, इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हो बताओ? मिक्स सर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? A shard having rational factor other than one. Other than one. चलो लिख लो। A shard having rational factor other than one. ठीक है, example. 2 into 4th root of 7, 3 into 3 root k,
क्यूब रूट ऑफ 4, 5 इंटू 7th रूट ऑफ 8, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट आता है लाइक सर्ड, तो इसके बारे में लिख लो। जैसे एक एग्जांपल से समझना, इरेशनल फैक्टर पे ध्यान देना, ठीक है? किस पे? इरेशनल फैक्टर। जैसे अगर हम तुमको बोले कि 8 root 5, मतलब 8 into root 5, 7 into root 5, तो इन दोनों का इरेशनल फैक्टर कौन कौन सा है? इरेशनल फैक्टर कौन कौन सा है? रूट फाइव फैक्टर बोल सेवन। अरे इरेशनल फैक्टर पूछे, रेशनल फैक्टर नहीं, इरेशनल फैक्टर। सेवन इरेशनल नंबर है, इरेशनल फिर रेशनल नंबर है, समझो ये सब बात। फैक्टर टर्म यूज करते तो तुम लोग का सिटी पिटी का गुम हो जाता है, फैक्टर मतलब नहीं पता चल रहा है क्या? सर बोले तो थे रूट फाइव। तो बोली थी, ठीक है। तो अगर इरेशनल फैक्टर सेम है, ठीक है, इरेशनल फैक्टर सेम है, तो वैसे सर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक सर्ट बोलते हैं। लेकिन याद रखना, क्या ये लाइक सर्ट का पार्ट है? बताओ, इरेशनल फैक्टर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो ये लाइक सर्ट नहीं होगा। लिख लो डेफिनेशन लाइक सर्ट का। लाइक सर्ट का डेफिनेशन लिख लो। टू और मोर सर्ट हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर, क्या होना चाहिए? सेम इरेशनल फैक्टर होना चाहिए। हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर आर नोन एज लाइक सर्ट, ठीक है? उसी तरीके से अलाइक सर्ट के बारे में डिफाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं? अनलाइक के बारे में हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपना लिख लेना, चलो लिख लो फटाफट। किसी को डाउट अभी तक कहीं पे भी है तो पूछो, कहीं पे कोई भी पॉइंट में डाउट है तो पूछो। नहीं है? किसी को भी नहीं? अभी सिर्फ थियरी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, और ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे, 6 बजे छोड़ देंगे। चलो ठीक है, आगे लिखो ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। कल या आज जो भी होगा, हम लाइक ये मिक्स को प्योर में, प्योर को मिक्स में और मिक्स सर्ट को प्योर सर्ट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। अगर आज टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं तो कल सिखा देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑपरेशन ऑन सर्ट। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कैसे सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा? लाइक सर्ट्स का हो पाएगा या अनलाइक का भी हो जाएगा? बताओ, सोच के बताओ।
सर लाइक सर्च का होगा, सर्च का ही होगा, ठीक है। अनलाइक रहेगा तो उसका हम रिजल उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किसके लिए पॉसिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइक सर्च, लाइक सर्च कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, क्लियर। जैसे 4 root 5 है प्लस 6 root 5 है एंड प्लस 3 root 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 root 5। तो लाइक सेट को हम ऐड कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो बता दिए थे शायद, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें भी सेम काम, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें भी लाइक रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, बताए थे ना। जैसे nth रूट ऑफ a है और इंटू nth रूट ऑफ b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a इंटू b, ये तो बताए होंगे। यस सर, यस सर, ठीक है ना। चलो डिवीजन के भी केस में वैसे ही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर, पूछना है तो पूछो। नो सर। एक चीज और इसमें याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो चलो ठीक है, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हम अभी हम डिवीजन का एक क्वेश्चन दिए थे याद है, जिसमें बोले थे सिंप्लीफाई कर लेना पहले, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, जैसे कि एक मिनट रुको, जैसे यही क्वेश्चन था, कहाँ गया डिवीजन वाला, ये दोनों देखो लाइक तो था नहीं, लेकिन तब भी हम इसको डिवाइड कर सकते थे, समझ रहे हो बात को। ये जैसे क्वेश्चन था पहला नंबर ही देखो, ये लाइक है क्या दोनों? नो सर, लाइक, लेकिन हम इसको अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है तुम लोग को कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो ये नेसेसरी है कि लाइक सर्ट्स होना चाहिए, अगर अनलाइक सर्ट्स है तो कोशिश करो उसको लाइक सर्ट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज उसको एज यूजुअल छोड़ दोगे। वही काम तुमको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में भी करना है, अगर अनलाइक सर्ट्स है तो उसको किसी भी तरीके से लाइक सर्ट्स में ले आना। जैसे ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 128 है डिवाइडेड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 64 है, तो पहले इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने का कोशिश, सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ और फिर देखो कि कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि देख लिया कि यहाँ पे अनलाइक सर्ट से तो लिख दिया कि इसका डिविजन ही नहीं होगा, तो वो काम नहीं करता। हर एक के केस में तुमको क्या करना है, उसको सिंपली सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा करके देखना है, उसके बाद देख लेना अपना कि डिवीजन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। समझ में आया सब कुछ? बताओ कुछ भी डाउट है तो पूछो। नहीं है, अरे बोलो कुछ, क्या हो गया तुम लोग को? तो नहीं है डाउट, क्या हो गया जी प्रियांशी, समझ में नहीं आ रहा है? सर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला नहीं समझ आ रहा। अच्छा आयुषी? यस सर। क्या हो गया, कुछ बोलती नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आ रहा,
हाँ ना तो बोलेगी। यस सर। बोला करो यार, ऐसे ही बोरिंग हो जाता है ऑनलाइन क्लास के। आयुष देखो ज्वाइन करके सो गया है ये। किसमें दिक्कत है बताओ? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। देखो जिससे बनता है वो 49 बनाओ, जिससे नहीं बन रहा है वो समझो। पहले तुम बताओ प्रियंका, ये लाइक है या अनलाइक है दोनों? अनलाइक। अनलाइक है तो अनलाइक कैसे ही आएगा, तो उसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है, बट ठीक है, उसको किसी भी तरीके से कोशिश करके हम लोग आगे कर सकते हैं। जैसे 128 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, क्या लिख सकती है बताओ? 2 to the power 7। 2 to the power 7 क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 7 हो जाएगा। 64 को 2 to the power 6 2 to the power 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना, अपना जो भी बेसिक का रूल है उसको अप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 7/3 होगा। अब यहाँ से देखो, मतलब थर्ड से नहीं हो रहा है तो हम उसमें एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पावर माइनस माइनस, यही करना है। ठीक है, तो ये सब बना लेना। ठीक है, जो जो होमवर्क दिए थे आज, जो जो मार्क करवाए थे वो सब कर लेना, उतना बना के आना। ज्यादा तुम लोग को और होमवर्क देंगे नहीं, ठीक है, इतना कर लोगे ना। कल ही हम तुम लोग को लाइक शर्ट को अनलाइक में बदलना, अनलाइक शर्ट को ये सॉरी प्योर को मिक्स में बदलना, मिक्स को प्योर में बदलना, ये सब कल सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो जो थियोरी बताए उसमें कहीं डाउट नहीं है ना? नहीं है डाउट तो अच्छी बात है। तो शर्ट्स का बेसिक रूल्स वगैरह हम बता दिए तुमको, क्या होता है नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स है वो भी लिख लो तो साथ ही साथ, अगर लिख सकते हो तो। अच्छा, शर्ट्स जो होता है वो रेशनल का पार्ट होता है या इरेशनल का पार्ट होता है? जो शर्ट्स होता है इरेशनल, इरेशनल होता है। ठीक है, समझ रहा है? तो अच्छा एक चीज और, पाई के बारे में जानते हो? पाई? हाँ सर। ये रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल, इरेशनल है ना। तो अगर तुम्हारा ये रूट के अंदर आ गया तो क्या ये एक सर्ड कहलाएगा? तो ये तुम्हारा सर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये सर्ड नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब जैसे तुमको अगर क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है तो क्या ये सर्ड होगा? हाँ तो चाहिए सर। कैसे? इसको तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 2 लिख देंगे, तो अब सर्ड है क्या? नहीं है, नहीं है। नो सर। नहीं है ना, तो ये सब ध्यान में रखोगे, इसीलिए एक पॉइंट लिख लो, एक नोट करके लिख लो कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। सारा सर्ड क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, बट एवरी इरेशनल नंबर
नीड नॉट टू बी सर्ड, मतलब सारा इरेशनल सर्ड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना भी सर्ड है वो सारा का सारा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। समझ में आया सब बात? यस सर। ठीक है चलो, तो ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स था आज का लेक्चर, अभी के लेक्चर का। इसको एक बार दो बार बस पढ़ के रखना, ज्यादा इसमें उतना दिमाग लगाना नहीं है, जो जो होमवर्क दिए उतना कर लेना, ताकि अगले क्लास में हम चैप्टर को आगे बढ़ाए। अगले क्लास में दो तीन चीज सीखेंगे, मिक्स शर्ट को प्योर शर्ट में बदलना, प्योर को मिक्स में बदलना, फिर और भी है। उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन शुरू करेंगे, उसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर नाम एक टर्म सुना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, कोई भी? शायद हाँ। रेशनलाइजेशन तुम लोग पढ़ रखा है ना जी? नहीं पढ़े। यस सर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर टर्म नहीं सुनी है क्या? यस सर सुना है। सुने हो ना? ठीक है, तो सब चीज बताते चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो आज जाओ, ज्यादा देर बहुत कुछ पढ़ा लिए। शर्ट के बारे में बेसिक जो भी था वो हम बता दिए हैं, एक बार पूरा रीड करके आना, ये नहीं कि भूल जाना अगले क्लास, भूलना नहीं, ठीक है? कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है सर, भूल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अभी शर्ट खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखना। एक बार रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे ना, तो उसके बाद फिर से हम शर्ट्स पे मूव करेंगे, क्योंकि वहां पे रेशनलाइजेशन का बहुत यूज आएगा। तो ये मत समझ लेना कि शर्ट्स एंड रेडिकल खत्म हो गया, अभी नहीं हुआ है। एक बार रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से उसमें बहुत कुछ सीखना होगा। सर ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है क्या? देखो अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो तुम्हारे एनसीईआरटी के 5 से 6 के, ठीक है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना है तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर।